हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शीशाज गुड लाइफ। में आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टिंग गिलोय का काढ़ा। गिलोय, जिसे हिंदी में गुड़ुचि भी कहा जाता है, ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है। इसे संस्कृत में अमृता और कन्नड़ा में अमृत बल्ली भी कहा जाता है। और इसके जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। इसी के लिए इसे रूट्स ऑफ इमोर्टलिटी भी कहा जाता है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखा जाए तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, और ये अस्थमा, अर्थराइटिस और कई तरह के स्किन एलर्जीज़ में भी ये हेल्प करता है। और इससे जो है हाई फीवर, जैसे कि डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इन सबको ठीक करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। इस प्लांट का हर पार्ट ही बहुत ही यूज़फुल है, बट ज़्यादातर जो है इसका स्टेम यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम अभी गिलोय का काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ गिलोय की डंडियाँ ली हैं, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब हमें से इसके जो ऊपर का लेयर है, इसे हमें ऐसे निकालना है। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, तो अब हमें ऐसे निकालना है। आप इसे हाथ से भी निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब ये सारी डंडियों के ऊपर के छिलके जो है मैंने ऐसे निकाल लिए हैं। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काट लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से कट जाएंगी, ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे काट लेना है, या फिर आप एक सिलबट्टा यूज़ करके उसमें आप ऐसे कूट के इसका भी आप काढ़ा बना सकते हैं, या फिर आप मिक्सी यूज़ करके इसका पेस्ट बना के उससे भी आप काढ़ा बना सकते हैं। अब हम एक स्टील का बर्तन लेते हैं और उसमें ये सारा गिलोय ऐड करते हैं। यहाँ पे आप स्टील का ही यूज़ कीजिए, या फिर मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, आप नॉनस्टिक पैन यूज़ ना करें। और इसमें हम अभी एक गिलास पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे भी हम बारीक काट के इसे भी हम डाल देते हैं। अब हम इसे ओवरनाइट ऐसे ही रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे तुरंत बॉईल करके ले सकते हैं, बट अगर ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे थोड़ी सी दालचीनी भी हम ऐड करेंगे। अब इसे गैस पे चढ़ा के बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसे हमें 5 से 6 मिनट बॉईल करना है ऐसे ही, या फिर हमने जो पानी ऐड किया है वो हाफ हो जाए तब तक हमें बॉईल करना है। हमें इसे सुबह सुबह खाली पेट ही लेना है। अगर सुबह नहीं ले सकते तो आप रात सोने से पहले ले सकते हैं। अब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अभी हो चुका है, हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसे हम ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हमें इस काढ़ा को ठंडा करके ही पीना है। देखिए, अभी ठंडा हो चुका है, अब हम ग्लास में सर्व कर लेते हैं। इसके लिए हम एक स्ट्रेनर लेंगे, इसे हम इसे फिल्टर करके ले सकते हैं। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।